हेलो दोस्तों, बिजनेस दुनिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जैसे ही आप जानते हैं कि ये चैनल सिर्फ बिजनेस संबंधी जानकारियां ही उपलब्ध कराता है कि आप कैसे एक छोटे व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं, बड़े व्यापार अगर रुक रहा है तो कैसे और आगे बढ़ा सकते हैं, कहां आपकी इनकम रुक रही है उसकी जानकारी आपको मिलती है। आज हम 5 पॉइंट ऐसे लेकर आए हैं आपके सामने कि छोटी छोटी जो कुछ चीजें अगर आप अपने जीवन में उतारते हैं तो आपका व्यापार, चाहे आप छोटा व्यापार कर रहे हैं या बड़ा व्यापार कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, तो आपके जीवन में ये कुछ चीजें अगर उपलब्ध हो जाती हैं तो आप अगर 20% हैं तो आप 80% पर पहुंच जाएंगे। कोशिश करेंगे तो 100% भी पहुंच जाएंगे। तो शुरुआत करते 5 पॉइंट में। पहला पॉइंट है पॉजिटिव एटीट्यूड। देखा गया है कि जनरली हमारे यहाँ पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रहता है और कहा भी जाता है कि अगर आप पॉजिटिव नहीं हैं तो आप समाज में किसी के साथ अच्छा रवैया नहीं रख सकते। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब है रवैया अच्छा रखना। आज माना भी यह जाता है कि अगर आपकी कोई कंपनी में नौकरी लगती है तो आपका 15% से या 25% डिग्री का रहता है और 75% आपका रवैये पे काम होता है। तो पहला, अगर आप रवैया अच्छा रखते हैं अपनी फील्ड में, बिजनेस में, जॉब में, अपने प्रोफेशन में, तो आप बहुत आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, जो लोग आगे बढ़ते हैं ना वो कभी मौके का इस्तेमाल करते हैं, हर मौके का इस्तेमाल करते हैं। आज तो हमने ये देखा है कि अगर हमारे यहाँ कोई नौकरी के लिए आता है और हम उनसे बोल देते हैं कि आप 2 महीने इंटर्नशिप कर लीजिए, हम आपका काम देखेंगे, उस हिसाब से सैलरी देंगे, तो वो उस मौके को गवा देते हैं। वो सोचते हैं कि मुझे अभी ही सैलरी चाहिए, तो ये नहीं सोचते कि 2 महीने अगर मैंने काम कर लिया तो मैं काम का भी बन जाऊंगा, फिर मैं सैलरी पर जाऊंगा। तो वो मौका ना गवाने के चक्कर में उनको 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल कहीं जॉब नहीं मिलता है। और वो दोष किसको देते हैं? सरकार को। दोष किसको देते हैं? शिक्षा को। दोष किसको देते हैं? अपने परिवार को। तो मौके आपको पास बिल्कुल पड़े रहते हैं, ऐसा नहीं है मौका बिल्कुल, मानिए मौका आपके पास मिलता है लेकिन मौके का लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते। आज उनको सिर्फ पैसा ही दिखता है कि भाई मुझे अगर नौकरी कर रहा हूँ तो पैसा चाहिए। देखिए, अगर आपको कोई पैसा देगा, अगर आपको कोई 15,000 रुपये दे रहा है तो वो आपसे 50,000 रुपये का काम कराएगा, तो 50,000 का काम आपसे बनता है कि नहीं बनता, पहले आप ये बताइए। इसलिए तो वो बोल रहा है कि 2 महीने फ्री काम कर लीजिए, लेकिन लोग उसको सोचते नहीं है। और जो मौके का इस्तेमाल करते हैं वो दर बदर आगे निकलते जाते हैं, वो हर चीज में मौका ढूंढते हैं, पर थिंक बदले। अगर कोई बोलता है कि 2 महीने इंटर्नशिप कर लें तो वो आपको उस जगह पे अपनी कंपनी में बैठने की जगह दे रहा है, सिस्टम दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। 2 महीने बाद आप अगर उसके अनुकूल चलने लगे, आपके काम बनने लगा, तो आप उसकी आवश्यकता बन गए, तो आपको सैलरी मिलने लगी, पहले आवश्यकता तो बनी है। तीसरा है फेसिंग फेलियर, मतलब जो नाकामियों को सामना करते हैं। नाकामियों का मतलब बार बार फेल होते हैं, बार बार सीखते हैं, बार बार फेल होते हैं, बार बार सीखते हैं, तो वो ही लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ तो एक बार फेल हो गए दूसरी बार करने नहीं है, एक बार बारहवीं फेल हो गए दूसरी बार परीक्षा देने नहीं है, एक बार जॉब इंटरव्यू में नहीं हुआ दूसरी बार नहीं देना। कहा जाए तो सरकारी नौकरी वाले से आप सीख सकते हैं, जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं वो कितनी बार एग्जाम देते हैं। हो सकता है कलेक्टर की जॉब के लिए वो अप्लाई कर रहे हो तो कितनी बार फेस करते उस एग्जाम को जाके उनसे पूछे, हो सकता है 6वीं बार उनका मेंस निकलता है, फिर इंटरव्यू निकलता है, तब जाके वो कलेक्टर बनते हैं। और कई जो बीच में हार जाते हैं वो छोड़ देते हैं। तो नाकामियों से जो सीखते हैं, नाकामियों का एक बहुत बड़ा उदाहरण है अब्राहम लिंकन जी का, जो राष्ट्रपति थे। उन्होंने क्या किया, अपने जीवन में बहुत बिजनेस किए, कहीं सफल रहे कहीं नहीं सफल रहे, फिर उन्हें 45 साल की उम्र में चुनाव लड़ा, 5-6 बार चुनाव लड़ा, नहीं जीते, अंत में वो राष्ट्रपति बने। तो लगातार लगे रहने के कारण आज वो
उनको सफलता मिली, बहुत जीता जाता उदाहरण है अब्राहम लिंकन जी का। ठीक है, इसी में अपन चार पॉइंट और लेंगे फेसिंग फेलियर में। अपने डर को काबू करें, फेयर किसी भी चीज से मन डरिए, हर चीज का ये अनुमान लगाइए कि ज्यादा से ज्यादा होगा क्या। अगर आज आप को टैली की जॉब के लिए जा रहे हैं कहीं पर और आपको इंटरव्यू फेस करना है और आपसे सब बनता है लेकिन इंटरव्यू कभी नहीं दिया है, तो एक बार इंटरव्यू जाके देखिए ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो आपको अनुभव मिलेगा, कोई आपको मार के भगाएगा तो नहीं, डांट के भगाएगा तो नहीं। ऐसी हर फील्ड में आप कोशिश करिए और उसका अंत देखिए कि ज्यादा से ज्यादा होगा क्या। ठीक है, इसके बाद दूसरा है मोटिवेशन। आपको अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो मोटिवेशन का उदाहरण दूंगा कि एक अतिक्रमण रहता है जो हमारे यहाँ नगर निगम अतिक्रमण लगाती है, चाहे वो विजयनगर में हो, चाहे वो दमोनाका में हो, चाहे वो धारताल में हो। जो अतिक्रमण होता है, जब पुलिस आती तो नगर निगम वाले आते तो अतिक्रमण अपने आप हटने लगता है, फिर वो अतिक्रमण लग जाता है। लेकिन जब अतिक्रमण हट जाता है तो वो जगह पूरी साफ हो जाती है, तो उसको मैंने मोटिवेशन का नाम दिया। आपको हर दिन अतिक्रमण हटाना है और अतिक्रमण हर दिन लगता है, हमारे यहां भी होता है जनरली जब लोग कोर्स करने आते हैं टैली का, कल पूछ के जाते हैं परसों नहीं कोर्स, बोलते सर मुझे नहीं करना, मुझे दूसरी फील्ड का काम करना। होता क्या, वहां तक उनकी मानसिकता रहती, बाहर जाके कोई उनको क्या पता क्या ज्ञान दे देता है, उनके ज्ञान में वो आ जाते हैं, वो कोर्स भी नहीं करते बल्कि वो पूरा मन बना के आते कोर्स करने का। तो जो अतिक्रमण रहता है ना उसको हटाए, उसको हर दिन मोटिवेशन वीडियो सुने, हर दिन मोटिवेशन लेक्चर सुने, हर दिन स्पीच सुने, हर दिन किताबें पढ़ें। देखिए आप ये सोचे कि एक बार आप मोटिवेट हो गए और आगे बढ़ गए, कभी कोई नहीं बढ़ पाया, चाहे वो विवेक बिंद्रा जी हो, चाहे संदीप माहेश्वरी हो, चाहे सोनू शर्मा जी हो, चाहे एक्स वाई जेड जो भी आज लीडर्स हैं, वो बिना मोटिवेशन के आगे नहीं बढ़ते। वो हर दिन किताबें पढ़ते हैं, हर दिन जीवनी पढ़ते, उपन्यास पढ़ते हैं, और कितने बड़े बड़े लोग जिनको और सफल हुए उनकी जीवनी पढ़ते हैं तो वो आगे बढ़ पाए। तो हर दिन आपको अतिक्रमण हटाना होगा, हर दिन अतिक्रमण लग जाता है, नगर निगम वाले आते फिर अलग करते हैं, तो आपके लिए नगर निगम वाले नहीं आएंगे, आपके पास तो डिजिटल योग है, आपके पास मोबाइल है, आप उससे अतिक्रमण हटाइए, मतलब मोटिवेशन वीडियो देखिए, मोटिवेशन पिक्चर देखिए, आपको जिस फील्ड में जाना है उसकी पूरी जानकारी हासिल करिए, फिर देखिए आप कहाँ पहुंच जाते हैं, तो जरूर हटाएं। तीसरा है सेल्फ स्ट्रीम मतलब खुद के बारे में सोचे कि मैं कहाँ जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं। कहते हैं कि इंसान की जो सबसे ज्यादा मुलाकात जो होती है ना वो अपने आप से होती है, जो सबसे ज्यादा वो किसी से मिलता है वो किससे मिलता है, अपने आप से मिलता है। कभी समय निकालें अपने आप से मिलने का, हर दिन 5 मिनट, और सोचें विचारें कि मैं क्या कर रहा हूं, कहाँ जा रहा हूं, किस दिशा में जा रहा हूं, कहाँ जाना चाहिए, इन चीजों पर विचार करें, कहाँ गलत हूं कहाँ सही हूं लिखें। तो खुद के बारे में सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में, हम सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनते जा रहे हैं, भीड़ का हिस्सा तो सभी हैं, कुछ अपने बारे में सोचो और आगे बढ़े। इसके बाद है ईगो। आज हमारे यहाँ ईगो सिस्टम, इसको सिस्टम का रूप इसलिए दे रहा, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। तो ईगो सिस्टम ये है कि लोग क्या कर रहे हैं, आज जरा से किसी पद पर पहुंच जाते तो ईगो आ जाता है कि मैं तो बहुत बड़ा हो गया, कुछ बन गए तो ईगो आ जाता है। देखिए आपकी जर्नी है, सफलता आपके पास आ रही है, तो इसका आप इसके अकेले हकदार नहीं है, आपके साथ जो है आपका परिवार है, आपके दोस्त हैं, आपके यार हैं, वो इसके भागीदार हैं। तो कभी प्रकार किसी प्रकार का ईगो मत रखिए, हमेशा जमीन स्तर पर जुड़े रहिए और हमेशा शुक्रिया अदा करिए कि ईश्वर ने मुझे यहां तक पहुंचाया, इसके लिए शुक्रिया, और मैं इस पद पर पहुंचने के बाद कितने लोगों की मदद कर सकता हूं इस पर विचार करिए, ईगो मत रखिए।
इसके बाद है, मैं पहला पॉइंट था अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, दूसरा था मौके का इस्तेमाल करें, तीसरा है फेसिंग फेलियर नाकामियों का सामना करें, और अब चौथा जो पॉइंट है वो है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग का मतलब आप सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ाया जाता है गोल बनाओ गोल बनाओ, किसी को किसी चीज का भूत सवार रहता है उसको ही गोल कहते हैं, किसी का पागलपन रहता है उसको ही गोल कहते हैं। तो गोल सेटिंग का मतलब क्या होता है कि आप एक ड्राइवर है, ड्राइवर से किसी बंदे ने कोई चढ़ता है बस में, तो बस वाला पूछता है कि कहाँ जाना है, तो एक बंदा बोलता है कि मुझे जहां आप ले चलो वहां जाना है, तो बस वाला बोलता है ये बस आपकी बस आपके लिए नहीं है, जब आप बस में चढ़े तो आपको पहले से पता होना चाहिए मुझे जाना कहाँ। हमारे यहाँ ये बहुत समय के बाद पता चलता है कि हमें जाना कहाँ है, समय निकल जाता है उसके बाद पता चलता है कि मेरी तो सिंगिंग में इंटरेस्ट था, मेरा तो क्रिकेट में इंटरेस्ट था, मेरा तो टेबल टेनिस में इंटरेस्ट था, मेरा तो गिटार बजाने में इंटरेस्ट था, मैं इसमें आगे बढ़ सकता था समय निकलने के बाद। तो हमेशा एक सही समय पर 5 साल 10 साल के गोल बनाए, उन गोलों पर आगे बढ़े और अपना मार्गदर्शन चुने, मार्गदर्शक चुने कि जो तुम उस फील्ड में जो आपसे ज्यादा जानता हो उसके उसको उसके पास बैठो, उससे मिले, उससे जानकारी ले। अगर आपके पास मार्गदर्शक नहीं है तो आपके गोल कभी नहीं बन सकते, एक मार्गदर्शक ही बहुत आगे तक आपके गोल ले जा सकता। तो गोल सेटिंग बहुत जरूरी है, जो भी कामयाब हुए हैं चाहे वो अमिताभ बच्चन है या शाहरुख खान है या एक्स वाई जेड जितने भी नेता हैं या हर फील्ड के आदमी ने गोल सेटिंग बनाई है तभी वो आज सफल हुए। लास्ट मेरा विजन, बड़े सपने देखे। विजन का मतलब है बड़े सपने देखना। हमारे यहाँ बहुत प्रॉब्लम है, बहुत छोटे सपनों में जिंदगी समट के रह जाती है। जो लोग बड़े सपने देखते हैं वो उसको पूरा भी करते हैं। बड़े सपने देखने का मतलब है लीडर बने, अपने आप को एक दायरा निश्चित मत करें कि मैं इस दायरे में हूं, इसी दायरे में रहूंगा, कुछ परसेंट बढ़ूंगा, इसके बाद नहीं बढ़ूंगा। जो इंसान बड़े सपने देखता है कि भाई मैं आज यहां हूं, मैं 5 साल बाद आज मैं वहां हूंगा, तो हो सकता है वो 5 साल बाद जहां है वहां ना पहुंच के, लेकिन वो 60-70% तक पहुंच जाता है। लेकिन बड़े सपने हमारे यहां देखना लोग सिखाते नहीं। सबसे बड़ी बात है लोग सोच देना नहीं सिखाते हैं। मैं सोच देने पे आ रहा हूँ कि इंसान को सोच देना चाहिए कि तुम ये कर सकते हो, तुम ये बन सकते हो, तुम्हारे अंदर ये चीजें हैं। एक नाकामी से, एक फेलियर से, एक बुरा सपने से कोई चीजें नहीं हो सकती हैं। विजन से एक उदाहरण भी प्रस्तुत है कि आपने जो भी छोटे वर्ग के लोग हैं और जो गरीब हैं, वो बंधक बन गए, आज उन्हीं का नाम होता है कि उनने लीडर बने, आगे बढ़े, चाहे वो अब्दुल कलाम हो, चाहे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे बहुत से ऐसे नेता हैं जो लीडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, जो छोटे छोटे स्टेप लेकर आगे बढ़े, तो एक बड़े उनने मुकाम हासिल किया जो जिससे वो आज पहचाने जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि विजन बड़ा रखें। दिक्कत क्या हो रही है, हमारे यहाँ मंजिल सब पाना चाहते हैं लेकिन मंजिल किसी को नहीं मिलती है। एक मंजिल पाने के बाद दूसरी मंजिल पर जाना पड़ेगा, दूसरी मंजिल पाने के बाद तीसरी मंजिल पर जाना पड़ेगा, तीसरी मंजिल पाने के बाद चौथी मंजिल पर जाना पड़ेगा, लेकिन क्या मंजिल कभी रुकती है? नहीं रुकती है। लेकिन जो इंसान इस विजन से सफर का आनंद लेता है वो आगे बढ़ता है। तो ये मेरे 5 पॉइंट थे। ये मेरा छोटा मोटा अनुभव भी है कि अपने आसपास जो कुछ आपके सहपाठीगण हैं या आप खुद हो, एज मायने नहीं रखता है। अगर आप आज भी कुछ करना चाहते तो आप कर सकते हो। KFC का संचालक 75 साल की उम्र में उसने बिजनेस स्टार्ट किया और आज पूरे बर्डन में उसकी फ्रेंचाइजियां फैली हैं। तो कुछ करने के लिए आपको सिर्फ मन में दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा, चाहे वो बिजनेस करें चाहे नौकरी करें,
आगे नहीं बढ़ रहे हैं किसी चीज में तो आप कोई मतलब नहीं है, चलते रहने का नाम ही लाइफ है। इसी तरह मैं अपने पांच बंदियों के से ही अपना ये टॉपिक एंड करता हूं। हम डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस भी देते हैं जिसमें हम वेबसाइट ऐप सॉफ्टवेयर और ईमेल मार्केटिंग यूट्यूब मार्केटिंग जितने इस प्रकार की मार्केटिंग है उनको पूरी सुविधा भी देते हैं। अगर आपको हमारी सुविधा लेना हो तो भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हम आपके बिजनेस को बढ़ाने में सहायता कर सकते हैं तो भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह हम कुछ नए वीडियो के साथ आपके पास उपलब्ध होते रहेंगे। आगे हमारी एक वर्कशॉप भी होने वाली है कुछ समय बाद, उसकी जानकारी भी हम देते रहेंगे। फिर मिलता हूं मैं बिजनेस दुनिया से, तब तक के लिए नमस्कार।